डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पर ये इन जनरल ट्रू नहीं है। जैसे मैं अगर वाई एक्स ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 2, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा 2x, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, जो कि 2 डज नॉट इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये इन जनरल तो ट्रू नहीं है। तो आज हम y की वैल्यू फंक्शन निकालेंगे जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, dy वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि y हमारा क्या है, हमने यहाँ पे x का फंक्शन लिया, तो y हमारा क्या है, x का फंक्शन है। ठीक है, और अगर उसका हम डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जो आएगा वो भी हमारा क्या होगा, x का फंक्शन होगा। जैसे y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो dy वाई अपॉन डी एक्स 2x आएगा, जो कि हमारा x का फंक्शन है। और अगर y x है तो dy वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम इसके ऊपर भी वेरिएबल, यानी एक एक्स की हर एक वैल्यू के लिए 1 ही रहेगा, तो ये भी एक हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम इसको क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को जेड ले लेते हैं। ठीक है, जेड भी हमारा क्या है, एक एक्स का फंक्शन होगा। तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये जेड विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर दोनों इक्वेशन में, तो ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा, इसको हम अगर थोड़ा आसान तरीके से लिख दें तो ये आ जाएगा जेड माइनस टू डी जेड डी एक्स विच इज इक्वल्स टू जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, या हम इसको सी वन ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन किया हमने, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा माइनस का वन अपॉन जेड और विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी वन। हम यहाँ से अगर जेड की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगी हमारी, जेड इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस सी वन, ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने जेड क्या लिया था, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस सी वन। अब हम इस इक्वेशन से किसको सॉल्व कर सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस सी वन डी एक्स। तो डी वाई, अब इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार तो और इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, वाई इज इक्वल्स टू लॉग और ये हमारा क्या आएगा, एक्स प्लस सी वन माइनस का प्लस सी टू, एक और कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा ये सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब y की इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमारा y क्या आया है, हमारा y आया है y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस सी वन प्लस सी टू। तो इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूँ तो क्या आएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस सी वन, ये आ जाएगा। और इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का वन रहेगा और माइनस का वन पहले आ जाएगा, तो वन अपॉन एक्स प्लस सी वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस सी वन का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर वाई की वैल्यू ये है हमारी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।